36,000 में नहीं, एक रुपया कम, 35,000 में आपको मिलेगा 128GB स्टोरेज, अमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग एंड इसके साथ AI ट्रिपल कैमरा और फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे Vivo S1। तो आप सोच रहे होंगे Vivo S1 का तो हो चुका था रिव्यू, जो कि 6GB वाला वेरिएंट था उसका, लेकिन अब Vivo ने कुछ किया है गेम को चेंज, यानी कि की है गेम ऑन। Vivo S1 की तरफ से 4GB वेरिएंट को लॉन्च किया गया है, जो कि अमेजिंग डिवाइस है। प्राइस तो मैंने आपको बता ही दी है, 35,999 में आपको Vivo S1 4GB वेरिएंट में बहुत कुछ मिलेगा, जो कि इससे पहले इस प्राइस रेंज में आपको पहले कभी नहीं मिला। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, पहले मैं इसका कवर उतार लूँ, क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी, मैंने सोचा गिर विर जाए, ऐसे ही डैमेज हो जाता है ना, इतना प्यारा फ़ोन है। तो इसमें आपको वो तमाम स्पेक्स मिलेंगे जो कि इस प्राइस रेंज में आपको पहले कभी नहीं मिले, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऐसे बहुत सारे अभी भी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं फ़ोन, जो कि अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर मैं Huawei Y9 Prime 2019 की बात करूँ, तो उसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया था, फुल व्यू डिस्प्ले, बहुत अच्छी डिवाइस थी। लेकिन Vivo S1 की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि इसमें वो तमाम फ़ीचर्स हैं जो कि हर लिहाज से इस डिवाइस को बहुत अच्छा बनाता है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ, अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, अगर मैं गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर मैं इसकी चिपसेट की बात करूं, CPU की और इसके रैम एंड रोम की, सबसे पहले मैं आपको इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बताना चाहती हूं कि बहुत ही फास्ट है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि अगर आपके पास 35,999 का बजट है तो आप इस डिवाइस को ज़रूर ख़रीदिएगा, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है, मुझे कोई हीट इशू फेस नहीं हुआ, मैं गेमिंग के दौरान बिल्कुल मुझे ऐसा कोई लैग का इशू फेस नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथली मैंने गेम खेला, क्योंकि इसका डिस्प्ले इतना खूबसूरत है। फुल HD डिस्प्ले आपको दिया गया है अमोलेड डिस्प्ले के साथ, और इसके साथ इसमें जो परफॉर्मेंस के लिए इसमें जो चिपसेट दी गई है वो बहुत अच्छी है, इसमें GPU की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल डिवाइस अमेजिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि Vivo S1 6GB वाला जो वेरिएंट था उसमें और इसमें बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं। लाइक प्राइस का तो हो गया है, वो थी 50,000 की और ये है 36,000 की, लेकिन उसमें थी 6GB रैम एंड इसमें है 4GB रैम। तो इसमें बाकी तमाम स्पेक्स वाइज ये डिवाइस बिल्कुल सेम है, बैटरी वाइज, कैमरा वाइज, डिस्प्ले वाइज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर उसमें भी था, इसमें भी है, परफॉर्मेंस वाइज, वो तमाम चीज़ें इन दोनों डिवाइसेस की सेम है। तो अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ जो कि 4GB वाला वेरिएंट है, तो यह है 6.3 इंच की डिवाइस, डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले आपको दिया गया है। इसमें जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio P65 की ऑक्टोकोर के साथ, लेकिन इसका जो AI परफॉर्मेंस है वो दो गुना तेज़ है। लाइक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गेम में मुझे इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और जो मैंने मल्टीटास्किंग की डिफरेंट ऐप्स के साथ, उसमें भी इस डिवाइस की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी मिली। अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी इसकी A1 है, इवन नाइट शॉट भी इसके बहुत अच्छे आए हैं, और इसके साथ इसका जो सेल्फी कैमरा है उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत खूबसूरत इसका बैक पैनल है, आप देख सकते हैं, और बैक साइड पे इसके ट्रिपल AI कैमरा दिया गया है, नीचे फ्लैश लाइट दी गई है, AI ट्रिपल कैमरे की ब्रांडिंग है, Vivo की ब्रांडिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत डुअल टोन कलर के साथ बैक पैनल दिया गया है। फ्रंट की तरफ आप देखें तो सबसे टॉप पे आपको मिल रहा है नॉच, ये है 6.3 इंच की डिवाइस, अमोलेड डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले के साथ दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि बहुत ही फास्ट है। यानी कि मैं तो आपको कह ही रही थी कि अभी तक इस प्राइस रेंज में आपको इन डिस्प्ले नहीं दिया गया। तो इसमें जो रैम एंड रोम है, ये 4GB ऑफ रैम है एंड 128 इसमें इंटरनल स्टोरेज है। इसमें जो कार्ड का ऑप्शन है वो 256GB तक आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो बैक पे आपको ट्रिपल AI कैमरा दिया गया है, एक है 16MP का जो कि है मेन लेंस, इसके साथ एक आपको दिया गया है 8MP का जो कि है वाइड एंगल लेंस, एंड एक आपको मिला है 2MP डेप्थ सेंसिंग लेंस। एंड फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है 32MP AI सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरे की पिक्चर्स में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा कैमरा है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं चलूँगी इसके कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, तो बाद में हम इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा गेम के बारे में बताऊंगी। तो अगर मैं इसके कैमरे की तरफ जाऊं, हम पहले जाते हैं बैक कैमरे की तरफ, तो बैक कैमरा में आपको यहाँ बहुत सारे मोड्स मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट का प्रो, पैनोरामा, AI ब्यूटी, फोटो, वीडियो, फन वीडियो। अच्छा, फन वीडियो मैंने ये छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड्स की हैं, इसमें आप अपने जो है वो अपने फेस के ऊपर कोई भी फिल्टर अप्लाई करें तो
उसकी शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड होगी। इसमें AR स्टिकर है और इसकी वीडियो की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ इसमें लाइव फ़ोटो भी मौजूद है। इसमें पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट है, HDR का ऑप्शन दिया गया है, एंड इसके साथ वाइड एंगल लेंस जो है उसका भी रिजल्ट आप देख लें, डेप्थ सेंसिंग का भी देख लें। अगर मैं फ्रंट कैमरे की तरफ जाऊँ तो फ्रंट कैमरा में भी आपको ऑलमोस्ट वही फीचर मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रो पैनो, AI ब्यूटी फोटो वीडियो के फन वीडियो का आपको बैक साइड पे जो दिया गया है फ्रंट में भी दिया गया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो कैमरा है इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके अलग से मैं एक कैमरा वीडियो बनाऊंगी ताकि उसमें डिटेल्स आपको ज़्यादा मिल सके। इसमें जो GPU है वो है Mali G52, तो परफॉर्मेंस वाइज इसमें जो मैंने गेमिंग की मुझे बहुत मज़ा आया, तो बिल्कुल वो गेम उड़ रही थी, मेरी फिंगर्स बिल्कुल स्लिप हो रही थी। एक तो डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है एंड गेमिंग की परफॉर्मेंस A1। के सेंसर्स में देखो तो इसमें ऑलमोस्ट तमाम ही सेंसर्स मौजूद हैं, बहुत कम है जो कि मिसिंग है। तो सेंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस जो है इसमें ऑलरेडी तमाम सेंसर मौजूद है। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर मैं बात करूं तो फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मतलब बहुत ही स्पीडी है ये, और इसी तरह इसका फेस अनलॉक भी है, फेस अनलॉक भी बहुत बेहतरीन है। तो अगर मैं इस डिवाइस की बैटरी की बात करूं, इसमें 4500 mAh की बैटरी है जो कि आपको ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करी है। तो आप देख रहे हैं कि जो 6GB वाला वेरिएंट था Vivo S1 का, उसमें ऑलमोस्ट तमाम यही फीचर थे, सेम इसकी बैटरी, इसका कैमरा, इसका डिस्प्ले, इसमें अंडर डिस्प्ले जो दिया गया है, लेकिन सिर्फ रैम का फ़र्क है और इसमें आपको मिलता है यहाँ पर प्राइस का फ़र्क, क्योंकि वो थी 50,000 में और ये है 36,000 में। तो फास्ट बैटरी चार्जिंग आप उसमें प्रोवाइड की गई है, 18 वोल्ट तक जो कि सपोर्ट करती है। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी जो बैटरी लाइफ है, इसका जो बैटरी बैकअप है वो A1 होने वाला है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको डाउट है कि आपको कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपको गेमिंग के लिए कौन सा अच्छा फ़ोन चाहिए, आपको कैमरा के लिए अच्छा फ़ोन चाहिए, आपको बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा फ़ोन चाहिए, आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए जिसमें आप फुल व्यू डिस्प्ले में वीडियोज़ इन्जॉय कर सकें, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ करती हूँ मैं वीडियो को एंड, और आप अपने कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को किया है नहीं सब्सक्राइब तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और आप